नमस्कार, मैं हूँ यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं बालाघाट न्यूज़। बालाघाट न्यूज़ में आज मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन की, जो कि 8 अप्रैल 2020 को जारी की गई है। इस बुलेटिन के अनुसार बालाघाट इसमें आंकड़ों के साथ में जो जानकारी साझा की गई है उसके अनुसार बालाघाट में जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में बेड की संख्या जो है 54 है। ज़िले में क्वारंटाइन सेंटरों में बेड की संख्या जो है 430 है। ज़िले के सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों की कुल संख्या 11 है। ज़िले के सीमावर्ती क्षेत्रों के क्वारंटाइन सेंटरों में रखे गए यात्रियों की संख्या फ़िलहाल 0 है। भारत शासन की ओर से प्राप्त यात्रियों की संख्या जो है वो 178 है। स्थानीय स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर ट्रेसिंग के दौरान चिन्हित यात्रियों की संख्या जो है वो 70 है, जबकि कुल यात्रियों की संख्या जो है वो 248 है। निगरानी में रखे गए यात्रियों की संख्या 248 है। इसी तरह निगरानी का जो प्रतिशत है वो 100% है। जिन्होंने 14 दिनों का क्वारंटाइन पूरा किया है उनकी संख्या 29 है। जिन्होंने 28 दिनों का क्वारंटाइन पूरा किया है उनकी संख्या 80 है। होम क्वारंटाइन की संख्या जो है वो 9 है। ऐसे यात्री जो ज़िले में आए नहीं लेकिन राज्य कार्यालय द्वारा नाम दिए गए उनकी संख्या 78 है। ज़िले में प्रवास कर गए यात्रियों की संख्या 52 है। होम क्वारंटाइन में रखे गए यात्रियों की संख्या जो अन्य राज्यों से आए हैं 23 मार्च से 3 अप्रैल 2020 तक का जो डाटा है उसके अनुसार 45,783 है जो होम क्वारंटाइन में रखे गए हैं, जो कि अन्य राज्यों से आए हैं बालाघाट में। इसी तरह हॉस्पिटल में भर्ती संख्या जो है वो 3 है। आज दिनांक तक कोविड-19 के किए गए कुल 11 टेस्ट है। इसी तरह आज दिनांक तक कोविड-19 के निगेटिव जो पाए गए टेस्ट है वो 8 है। और आज दिनांक तक जो टेस्ट परिणाम है जिनका ICMR भेजा गया है यहाँ से टेस्ट के लिए, उसकी टोटल संख्या जो है वो 11 है। उनमें से 3 जो है वो लंबित है, मतलब इनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। और मृत्यु की संख्या 0 है। जाहिर सी बात है कि जब टेस्ट में निगेटिव पाए गए हैं ज़्यादातर लोग, या जितने भी लोग फिलहाल अभी 8 लोग निगेटिव पाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि मृत्यु का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इस तरह से बालाघाट ज़िला 21 दिन के लॉकडाउन के बावजूद पूरी तरह से सेफ है। यहाँ पर अभी तक फिलहाल कोई भी पेशेंट या मरीज कोरोना से संक्रमित नहीं पाया गया है। संदिग्धता के आधार पर प्रशासन के द्वारा 11 लोगों का अब तक टेस्ट कराया गया है, जिनमें 8 लोगों की जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है और 3 लोगों के जो टेस्ट का परिणाम है फिलहाल लंबित है, यानी कि आने वाला है। कल तक हो सकता है इसकी भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध हो। अन्य ज़िलों और मध्य प्रदेश के अन्य ज़िलों के लिहाज से अगर देखें या महानगरों के लिहाज से देखें तो बालाघाट ज़िला एक छोटा ज़िला भी है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का आवाजाही बनी रहती है। राज्य से महाराष्ट्र की सीमा और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ यह ज़िला है। बावजूद इसके बालाघाट में अभी तक कोरोना संक्रमण से संबंधित कोई मरीज नहीं आया है, जो कि बालाघाट ज़िलेवासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। तो ये हेल्थ बुलेटिन जो है स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है, जिसके अनुसार हमने आपको तमाम जानकारी दी है। इसी तरह की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स कोरोना संक्रमण से लेकर और कोरोना संबंधी जानकारी लेकर मैं आप लोगों के बीच आते रहूँगा। आज बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।